तो हेलो आप सबको, कैसे आप लोग सब। और आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लेट स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी हो रही है शाम, और एक्चुअली मैं सुबह में स्कूल गई थी, और स्कूल से आके खाना वाना बना के नहा के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, रेस्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है रुड़की में। सुबह तो इतनी मतलब मौसम ऐसा हो गया था बिल्कुल बारिश वाला, लेकिन बारिश हुई नहीं, और इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही है ना, क्या बताएं, ऐसी घुटन महसूस हो रही है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बहुत बहुत गर्मी हो रही है। हालत देख रहे हैं ना, मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, और मम्मी का मन था कि आज आलू पूरी बना के, और जो गरीब लोग हैं जो मंदिर वगैरह के आगे नहर पे उधर बैठे रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो मैं वही बना रही हूँ। और अभी तो शाम हो रही है, तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से तो मिलना ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोगों को गुड इवनिंग कर रही हूँ। और आज का ब्लॉग तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मिलना तो हुआ ना। तो आप लोग कैसे हैं, और अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है, जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों से भी आप देखते हैं और वहाँ गर्मी हो रही है, तो अपना ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, क्योंकि भूख तो इस समय बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सिर्फ पानी पीने लिक्विड का ही मन करता है कि कुछ जूस या कोल्ड ड्रिंक कम करिएगा। कोल्ड ड्रिंक हम भी नहीं ज़्यादा पीते हैं, जूस वगैरह ज़्यादा हो, नींबू पानी हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर पीजिएगा। और बस मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पे बॉयल आलू रेडी है, और यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है, और मैं अपनी पुरानी वाली कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दूसरी वाली कढ़ाई में मैं पूरी बनाऊँगी, और ये क्योंकि बड़ी है तो इतने सारे आलू उसमें नहीं आएंगे, तो इसलिए बस इसको ही मैंने यूज़ करा। अब क्या करूँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन बस काम तो करना ही है ना, खाना तो बनाना ही है, तो बस इसलिए लगे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हो कि जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि टाइम से वहाँ सब लोगों को देके भी आ जाए, क्योंकि सब्जी ठंडी होगी, और उस साथ के साथ मैं पूरी तैयार करती रहूँगी, फिर अमित थोड़ा ठंडा होगा तो अमित पैक कर देंगे, क्योंकि गरम गरम को पैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस समय बाहर धूप तो नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होगी, लेकिन धूप तो नहीं है, पर स्टिल अभी गर्मी है, बादल भी बने हुए हैं, और पता नहीं बारिश कब होगी, बारिश अच्छे से हो जाती है, तो बस ये रहता है कि हाँ मौसम ठंडा हो जाता है। और स्कूल में भी आज दिन अच्छा रहा, तो बस मैं अपना खाना रेडी कर लेती हूँ। तो सब्जियाँ रेडी हो गई है, और अभी मैं पूरी बना रही हूँ, आज गला बड़ा खराब हो रहा है, पूरी के लिए यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है, बाकी सब चीज़ रेडी है, बस फटाफट से पूरी बनानी है, और फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा करके फिर इन्हें पैक करेंगे, तो फटाफट से मैं, तेल गरम हो जाता है तो पूरियाँ रेडी करती हूँ। फॉइल के ही आते हैं, ये मंगवा लिए हैं, ताकि आराम से इसमें सही तरीके से ये सब्ज़ी और जो पूरी है वो पैक करके अच्छे से दे देंगे, बाकी जो ज़रूरतमंद होंगे उनको भी दे देंगे, लगेगा कि उन्हें नीड है तो उनको भी दे देंगे। तो अब बस खाना पैक करना स्टार्ट करते हैं। अमित पैक कर रहे हैं, पहले मैंने ना ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी जो बनती है ना लंगर वाली, वो बना दी थी, फिर उसको सुखाया, क्योंकि इसमें पैक करना फिर ग्रेवी वाली को मुश्किल हो जाएगा, और अब उसको सुखा के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, अभी फिर भी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा किया है, और बस अब उसे पैक कर रहे हैं, फटाफट पैक करते हैं और फिर लेके चलते हैं। तो हमें ना इसमें चार चार पूड़ी को पैक कर रहे हैं, ताकि अच्छे से पेट भर जाए, नीचे पूरी है फिर सब्जी रखी है, और उसके ऊपर फिर ये इस तरह से पैक कर देंगे। बस अब जल्दी से मैं इन्हें कवर कर देती हूँ, बाकी अमित रेडी कर रहे हैं, मैं उन्हें कवर करती जाती हूँ। तो खाना पैक हो गया है सारा, और अब अमित, मानव और समायरा भी जा रही है, ये लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं। मैंने
बस अब मैं अपनी किचन से मेटू, पूरी मेरी किचन फैली हुई हो रही है और फटाफट से खाना जो भी रोटी बनानी है वो बनाती हूँ। हालत बहुत ख़राब हो रही है गर्मी में, आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन पसीने में बार बार पोंछ रही हूँ और मेरा पूरा कुर्ता पसीने में भीगा हुआ है। तो बस अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ और फिर ये किचन समेट के और फिर नहाने जाती हूँ क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो हम और मानव सब दे के आ गए हैं और जब वो आए तो लाइट चली गई और गर्मी में हालत इतनी ख़राब हो रही है ना। अभी मानव नहाने गया हुआ है, फिर मैं उसको खाना देगी और फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहा कर ही खाना खाऊँगी क्योंकि पसीने में हालत ऐसी डाउन हो गई है ना, पूरे कपड़े ऐसे भीग रखे हैं पसीने में, ऊपर से लाइट इतना परेशान कर रही है। अभी आधे घंटे बाद लाइट आई है तो, और खाने के लिए भी लेट होता जा रहा है और फिर ज़्यादा लेट खाओ ना फिर मतलब थोड़ा सा वो ये रह जाता है, फिर सोना भी होता है, सुबह जल्दी उठना है और बहुत थक गई हूँ मैं। लेकिन खुशी है कि खाना अच्छे से सबको पहुंच गया जिनके लिए बनाया था और वो अच्छे से खाएं और बहुत सारी ताकत पाएं। और बाहर इतनी गर्मी हो रही है ना, हवा नहीं चल रही है, इतनी सी भी हवा नहीं चल रही है और बादल हो रखे हैं लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। बस अब मैं नहाने जा रही हूँ तभी चैन मिलेगा, अदरवाइज़ खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये देखो दो अंडे दिए हमारे तोते ने, ये देखो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना आपको, मैं ज्यादा नहीं हटा रहा कि बहुत हाँ तभी तो ये वाइट वाली है ना, बिल्कुल बाहर ही नहीं आ रही थी, ये अभी बैठी है अब आई है ये बाहर, ये सुबह से अंदर है, ये वाली मटकी में इसने अंडे दे रखे हैं, अभी अमित ने देखे, मैंने तो अभी देखे ही नहीं है। और इसने और फिर ये जो ग्रीन वाला है ना शायद दिखाता हूं, इसका शायद पेयर है। एक मिनट, अगर आपको यहाँ से दिख रहे हो क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ से, वो आपको ढक्कन खोल के दिखाए थे मैंने, ऐसे दिख नहीं रहे नहीं। अब मैं भी इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये अपने अंडे पे जाना बंद कर देगी जितना मुझे पता, एक गई अंदर ये सुबह से बाहर ही नहीं निकली है, मैंने खाना दिया नहीं आई बाहर, तो सबसे पहले आती है ये। और है ना अभी ये अंदर थी वाइट, ये ग्रीन वाला भी अंदर था और ये दोनों ये उसी मटकी पे यहाँ पे ऊपर बैठे हुए थे, मैंने आके इन्हें भी बताया। मैं छत पे जा रही थी अभी तो एकदम से इन्होंने कहा कि वाइट वाली बाहर आ गई, सुबह से बाहर नहीं आई और अभी देखा अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, मैंने तो अभी अंडे को देखा ही नहीं है क्योंकि एक्चुअली में भी ज़्यादा हाथ लगाएंगे ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और क्योंकि अभी बिल्कुल अब भी उसने दिए हैं और बहुत खुशी हो रही है ना चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो छत पे जा रही थी, अमित बता रहे थे बहुत सुंदर हमारे फ्लावर्स आ रखे हैं एक ट्री पे, प्लांट पे, तो वो मैं देखने जा रही थी तो अचानक से ये बाहर आई ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि वाइट वाली बाहर आ गई है, तो मैं उसको मैंने इन्होंने कहा कि फिर मैं देखता हूँ कि अंडे वंडे तो नहीं दिए क्योंकि वो सुबह से बाहर ही नहीं निकली, तो देखा तो सचमुच में दो अंडे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं वीडियो में देखूँगी और फिलहाल तो अभी मैं सब्जी बना रही थी करेले, प्याज फ्राई हो रही है और उस पर मैं छत पे जा रही थी इसके लिए, तो आप भी मेरे साथ चलो। तो मैं आ गई हूँ छत पर और ये आज की वीडियो मैं कल की वीडियो के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल क्या हुआ, जैसे ही मैं खाना वाना बना के निपटी हूँ मतलब सारा काम हो गया, लाइट चली गई, बस उसके बाद क्या वीडियो मैं कर पाती। अच्छा ये वाले बोल रहे थे
चलते हैं। डिनर भी कर लिया है, सारे काम हो गए हैं, सुबह के लिए सारी तैयारी हो गई है और बस अब सोने के लिए जा रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि आपको गुड नाइट कह दिया जाए। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही है और आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज के व्लॉग में तो आपने देखा ना, हमारे जो बर्ड है उसने अंडे दिए, दो दिख रहे हैं, बाकी अभी ज़्यादा हाथ नहीं लगा सकते ना, फिर कब पता चला कि बर्ड गुस्सा हो गए, कुछ भी अभी कैसा रिएक्शन रहेगा उसका हमें नहीं पता ना, तो ज़्यादा छेड़ नहीं रहे हैं। हाँ वो ज़्यादा हम अगर छेड़ा छाड़ी करेंगे ना फिर उसको हमारी ज़्यादा स्मेल आएगी, फिर वो अपने अंडों के पास नहीं जाएगी और फिर बच्चे कहाँ से होंगे ना उसमें से। और हो सकता है, हाँ हो सकता है कि वो तोड़ दे, क्योंकि आपको मैंने हमारे एक पहले ब्लॉग में दिखाया था जो मैना ने हमारे यहाँ एक वो बना रखा था घोंसला, तो उतनी देर में जितनी देर ये मुझे स्कूल से लेने गए हैं हम लोग वापस आए हैं, वो अंडा फूटा हुआ पड़ा हुआ था, तो बड़ा दुख हुआ। हाँ वो बर्ड नहीं, शायद हो सकता है गिरा के तोड़ दिया हो, क्योंकि उसे हमारी स्मेल आ गई होगी ना। अब बाकी पता नहीं, इतना कुछ हमें बर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि बर्ड ने दो अंडे दिए हैं और देखते हैं कि कब हैच होते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। इंतज़ार रहेगा और जैसे भी रहेगा आपको भी हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक ही है और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ एक बात और, बाय करने से पहले कि कल जब अमित जो हमने कल खाना बनाया था वो देने गए थे ना, तो वो दिखाया इसलिए नहीं कि मतलब देते हुए कि थोड़ा सा बुरा लगता है ना, मतलब अजीब सा लगेगा, ऐसे अच्छी शो ऑफ हो रहा है, बस मैं बना रही थी उतना मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। बाकी वहाँ जब देने गए हैं वो हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है, सीधा जब हम इस घर आ गए हैं देने के बाद, उसके बाद मतलब ये लोग ये घर आए हैं, मैंने काम निपटाया है और लाइट चली गई, तो आगे ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, तो इसलिए उसको मैंने आज के दिन नेक्स्ट डे फिर कंटिन्यू करा, तो बस यही बताना चाह रही थी। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।